सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री ये पूरी ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है ना? हाँ, मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर किसी की लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है। क्या कहती हो शीला? ये एक पवित्र कार्य है, हमें ये प्रोजेक्ट मिलना हमारी किस्मत में लिखा है। शीला, हम सिर्फ आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, कहीं जाकर वहाँ के पुरातन वस्तुओं को देखकर उनको सही से समझना और उनकी जांच करना ही हमारा काम है। पुरातन काल के राम और सीता की मूर्ति एक जंगल में है ऐसा सुना है, इसीलिए यहाँ आए ना? सही कहा, अगर वो मूर्तियाँ हमारे हाथ लग गई तो फायदा हमें ही है। हम सबको इसे दैव कार्य समझना है, हमें फायदा नहीं देखना। फायदे और नुकसान के बारे में भूल जाओ। वहाँ देखो, एक माइलस्टोन है। उस जंगल में जाने के लिए हमें शायद लेफ्ट की तरफ जाना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। चलो। रविंद्र, यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये जंगल इतना गहरा और भयानक नहीं है, यहाँ हमें कोई रिस्क नहीं है। अगर हमने उन मूर्तियों को ढूंढ लिया तो जीत हमारी ही होगी। अगर हम राम नाम का जाप करेंगे तो साक्षात हनुमान जी ही हमें मार्ग दिखाएंगे। राम राम।
शीला, ये इंटरनेट का समय है, अभी राम का नाम, हनुमान का नाम, ये सब बकवास है। Hey, संभाल के नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा है ना, देव शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्रीयांजनेयं प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वानगात्रं भजे हं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं। भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटञ्चुं प्रभातं वसायन्त्रमुं नीनाम संकीर्तनं जेसी। फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। अरे बिना प्रॉब्लम जाने गाड़ी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे पता है, ठीक हो चुकी है। हे चल स्टार्ट कर। अरे अब अचानक से स्टार्ट भी हो गई, ये तो आश्चर्य की बात है। इंजन हीट हो गया होगा, अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। हाँ हाँ वही हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे को किसने बचाया है। वो देवयानी के दूर के रिश्तेदार हैं। बेचारे, उनको नौकरी और घर दोनों नहीं है कह रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हमारे घर में रहने को कह दिया है। कम से कम इस तरीके से हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। मैं तो वैसे भी आपके इस हालात की वजह से आधी तो मर ही चुकी हूँ। अगर बच्चे को भी कुछ हो जाता तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ा समय लगेगा, पर अंत में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जीजू के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो लक्ष्मी? ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सही कहा देवयानी, मैं तो दुख में कुछ भी बोलती जा रही थी। आगे से ध्यान रखूंगी। गुड, वैसे भी जीजू के अच्छे कर्मों का फल इनको जरूर मिलेगा, वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। उसी इच्छा से तो मैं जिंदा हूँ। देवयानी तुम इनके पास रहो, मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है। प्यारे जीजू, आप अच्छे कार्य भी करते हो। आपकी बीवी बिल्कुल पागल है, मुझे तो पता ही नहीं था आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं, और आपको उस अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे भी कि नहीं। लेकिन जो अन्याय आपने मेरे साथ किया है ना, वो आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आपको यही भरोसा है ना कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपका बेटा बच गया है? नहीं जीजू, आपके बेटे की मदद करने के बहाने एक आदमी इस घर में आकर रह रहा है। क्या आप जानते हो कि वो आदमी कौन है? अगर आप जानोगे ना तो चैन से नहीं सो पाओगे। देखा आपने, आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये नागिन देवयानी किसी को बचा भी सकती है क्या? बेचारा, दरअसल उसे ये पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। बच्चे को बचाने के बाद उसे पता चला कि वो आपका बेटा है तो ये बहुत दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन मैंने इसे भरोसा दिलाया कि हमें आगे ऐसे बहुत सारे मौके और मिलेंगे, तब हम काम पूरा करेंगे। यही सब कहकर तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ।
आग तो मैं लगा दूंगी और उसमें ये तेल डालता जाएगा। तुम्हारे अच्छे कार्य भी काम नहीं आएंगे, सब कुछ मेरी मर्जी का होगा। मेरे बदले की आग में जिंदा लाश की तरह जलो तुम। प्यारे जीजू, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीजू। ए कौन हो तुम? हम दोनों एक ही हैं। ए तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? तुम्हें मुफ्त में खाना, काम और दारू देने वाली देवयानी कौन है? एक देवी है और वो देवी एक मर्डर प्लान बना के उस पे अमल करती है और तुम आके उस प्लान को बर्बाद कर देते हो। ए इस पाप के लिए सजा मिलेगी, इस सजा से तू बच नहीं सकता है। तूने देवयानी जैसी देवी के प्लान को पूरी तरह बर्बाद किया, लेकिन उसने दिल पर लिया, अपने अपमान का बुरा माना, नहीं ना? तुम्हें घर पे बुलाकर खाना खिलाया, दारू पिलाई, रहने के लिए एक जगह दी, अब उसकी भरपाई तो करेगा ना? जाओ, देवयानी ने जो काम दिया है उसे खत्म करो। देवयानी तुझे शाबाशी देगी, जाकर उस बच्चे को मार दो। अबे बेवड़े बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है, जाना मार दूंगा। Thank you.